कैसे हैं आप सब। संडे का दिन हो तो सबका मन करता है कि कुछ बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा खाने को मिले, लेकिन उसे बनाने में मेहनत बिल्कुल भी ना हो। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटियों से बनी हुई ये रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस रेसिपी का नाम मैंने दिया है बाहुबली सैंडविच। मेरे पास ये करीब 4 से 5 रोटियाँ रखी थी रात की, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए मैंने ले लिए 2 उबले आलू और कुछ कटे हुए प्याज टमाटर। बाकी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले लेने हैं आलू और उन्हें अच्छे से कर लेना है मैश इस तरीके से। देखिए मैंने अच्छे से आलू को मैश कर लिया है। और अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और एक चटपटा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला। मसाले आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम चटपटा पसंद करते हैं। तो इन मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अब हमारी आलू की फिलिंग तैयार है, इसे कर दें साइड में। चलिए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले ली मैंने सबसे पहले एक रोटी और उस पर मैं अप्लाई करूँगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे तो जनरली ग्रीन चटनी सभी को बनानी आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद हो तो आप चेक कर लीजिए। और इस पर लगा देती हूँ मैं प्याज की लेयर इस तरीके से। सब्जियां आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये बची हुई चीज़ों से बना रहे हैं रेसिपी, तो आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप रख लें एक और रोटी। इस पर मैं लगा लूँगी टोमेटो केचप। अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो आप शेजवान चटनी या रेड चिल्ली सॉस, जो भी पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। अब इस पर लगा लें आलू का मसाला और आलू के मसाले को अच्छे से लगाएं आप स्प्रेड करके, बस किनारों से थोड़ा सा बचाते हुए लगाएं, जिससे क्योंकि जब हम इसे सेकें और कट करें तो ये हमारी जो पूरी स्टफिंग है बाहर ना निकले। देखिए इस तरीके से लगा लिया मैंने। अब मैंने लगाई एक और रोटी, इस पर मैं वापस ग्रीन चटनी अप्लाई करूँगी, अच्छे से लगानी है। अब इसके ऊपर लगा लें आप टमाटर की लेयर इस तरीके से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब रख लें एक और रोटी और इस पर वापस से टोमेटो केचप अप्लाई करें पहले, और उसके बाद जो भी आपके पास, पहले अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो भी आपके पास बची हो स्टफिंग, आलू का मसाला, प्याज, टमाटर, वो सारी बची हुई चीज़ें आप इसके ऊपर लगा दें। मेरे पास थोड़े से प्याज, थोड़ा सा आलू का मसाला, टमाटर, ये सब बच गए थे, तो मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से इसके ऊपर लगा दी हैं। और अब इसके ऊपर मैं ग्रेट कर लूँगी थोड़ा सा पनीर। आप अगर चीज़ पसंद करते हैं तो चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन पनीर थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होता है तो इसलिए मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मैंने चीज़ पनीर लगा लिया है। और अब एक और रोटी को रख दें फाइनल। तो लीजिए हमारा पूरा सैंडविच बनने के लिए तैयार है। अब आप देख सकते हैं मैंने करीब 4-5 रोटियों का इस्तेमाल इसमें किया है। अब एक पैन लें, उसमें डालें थोड़ा सा घी या बटर, जो भी आप पसंद करते हैं, और इसमें रख लें अपने इस सैंडविच को। सावधानी से रखें जिससे इसका जो अंदर की स्टफिंग है वो निकलने ना पाए। और अब आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट पकने दें। ढका मैंने इसलिए है जिससे थोड़ी सब्जी भी कुक हो जाएं। देखिए करीब 3 मिनट हो गए हैं और अब इसे टर्न कर लेते हैं। थोड़ा सा सावधानी से टर्न करें आप इस तरीके से, जिससे इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी ना निकले। और वापस से थोड़ा सा घी डाल दें और इसे वापस से 2-3 मिनट के लिए ढक दें। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है ये। देखिए करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ये सैंडविच है ये दूसरी तरफ से भी सिक कर तैयार है। आप इसका ऊपर से टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी हमारा ये सैंडविच सिक कर तैयार हुआ है। तो अब आप इसे निकाल लें। निकालने के लिए आप पैन के ऊपर एक प्लेट इस तरह रखें और इस तरीके से उल्टा कर दें। इससे आपकी जो ये सैंडविच है बहुत आराम से निकल आएगी और बिल्कुल भी इसकी लेयर्स जो हैं ख़राब नहीं होंगी। तो लीजिए दोस्तों हमारा ये सैंडविच तैयार है। चलिए अब कर लेते हैं इसे कट। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर इसकी नज़र आ रही है। अब वापस इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए वापस से ऊपर से थोड़ा सा पनीर या चीज़ ग्रेट कर दें, जिससे ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा।
तो चलिए अब इसे कर लेते हैं कट। आप सावधानी से पकड़ कर कट करें जिससे ये बिल्कुल भी खुले ना। जितने भी पीसेस आप पसंद करते हैं उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे 4 पीसेस में कट किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सैंडविच हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच सर्व के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सैंडविच हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप जिसे भी सर्व करेंगे कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बासी रोटी से बनाया है। तो है ना मज़ेदार आइडिया। अगर आपको मेरा ये तरीका यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी सा सैंडविच। आज के लिए इतना ही।